दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए ग्रुप थ्योरी के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हालिया हाल में होने वाले आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनको आपको जो है हर हाल में अनिवार्य रूप से जो है पढ़ के ही जाना है। जिन लोगों के ग्रुप थ्योरी का एग्ज़ाम है हाल में, जिनका ग्रुप थ्योरी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उनके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है, आपको शो करना पड़ सकता है वहाँ पर कि शो दैट द सेट वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपको इस वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सेट को अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप प्रूफ करना पड़ सकता है। सेकेंडली आपको जो है शो करना पड़ सकता है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज ऑर्डर ऑफ इट्स इन्वर्स। किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इन्वर्स का ऑर्डर सेम होता है। नॉर्मल सब ग्रुप से आपके यहाँ एक क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज अगेन ए नॉर्मल सब ग्रुप। इंटरसेक्शन दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ग्रुप की प्रॉपर्टी में रिवर्सल लॉ होता है कि ए ऑपरेशन बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स होगा, ऐसा आपको ग्रुप प्रॉपर्टी से प्रूफ करना पड़ सकता है। रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको शो करना पड़ सकता है कि जो रिलेशन कंग्रुएंस मॉडुलो एम है दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें आपको इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है कंग्रुएंस मॉडुलस एम को। लैग्रेंज थ्योरम होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ, आपको स्टेट और प्रूफ करनी पड़ सकती है, उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ आपको तैयार करना है लैग्रेंज थ्योरम का। इसके अलावा परमुटेशन से आपको प्रूफ करना पड़ सकता है कि एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। किसी भी परमुटेशन को आप ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। सिमिलरली सब ग्रुप से आपको शो करना पड़ सकता है कि नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट एच टू बी ए सब ग्रुप इज ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। सिमिलरली आपको डिफाइन करना पड़ सकता है नॉर्मलाइजर क्या चीज़ होती हैं, कम्यूटेटर्स किसको कहते हैं। ऐसे ही जो है परमुटेशन ग्रुप में आपको ये दिखाना पड़ सकता है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक होता है, हर फाइनाइट ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है किसी परमुटेशन ग्रुप के, और रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म जो है वो अगेन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके अलावा आपको परमुटेशन से प्रूफ करना पड़ सकता है कि एन परमुटेशन फैक्टोरियल एन परमुटेशन में से आधे क्या होते हैं, ऑड परमुटेशन और आधे जो होते हैं वो इवन परमुटेशन होते हैं। ये आपके अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार करना है। बेस्ट ऑफ लक।